दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, हम जैसे जैसे सुनते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सब कुछ ऑन पैसिव में होते जा रहा है। इस फ्राइडे के वेबिनार में नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार के रिगार्डिंग 6 मार्च मंडे का दिन अनाउंस हुआ था और आज पॉपअप भी शो होने लगा है बैक ऑफिस में। इस पॉपअप में सबसे ऊपर अंकित है ओब्लेस शेयर द लव। यह दरअसल ह्यूमैनिटी के लिए किए गए कार्य से रिलेटेड एक जबरदस्त वीडियो है, जिसे जस्ट नीचे दिए लिंक को क्लिक करके या फिर ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव पे जाके देख सकते हैं। इसे देखना जरूरी भी है ताकि हम जान सकें कि किस लेवल पे जाके हमारी कंपनी कार्य कर रही है। दोस्त, दुनिया में अनलिमिटेड पैसे बहुतों के पास है, बट कुछ गिने चुने ही होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए कुछ काम करते हैं। और हमारा ऑन पैसिव तो उस पोजीशन में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है जब इसे कोई रेवेन्यू भी जनरेट अभी नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऑन पैसिव आ ही रहा है पूरे वर्ल्ड को चेंज करने, इस मुरझाए चमन में बाहर लाने, इससे खूबसूरती प्रदान करने। इन सब के झलक जरूर दिख जाएंगे इस ओब्लेस से रिलेटेड वीडियो में। दोस्त, आखिर सीईओ मिस्टर एस क्यों चाहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, क्यों चाहते हैं कि इस तरह के सोच हमारे एक एक फाउंडर मेंबर्स के अंदर डेवलप हो, जो दुनिया के बेसहारा अनाथ गरीब लोगों के भावनाओं को, उनके दुख दर्द को करीब से महसूस कर सके एक इंसानियत के नाते। आज मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक सुन लिया तो यह गारंटी मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी और यह सारी दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। जन्नत के सारे सुख इस धरती पर ही भोग पाएंगे आप। दोस्त, शायद आपने जॉन डी रॉकफेलर का नाम जरूर सुना होगा, जो दुनिया के सबसे अमीर और पहले अरबपति थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में वे अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बन गए और 31 साल के होते होते वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। सिर्फ 38 साल की उम्र तक उन्होंने यूएसए में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाली और 50 वर्ष की उम्र तक आते आते वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जब उनकी मौत हुई उस वक्त वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। वे अपनी युवावस्था में अपने हर डिसीजन, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। उन्होंने कभी मानवता के बारे में, दूसरे जरूरतमंद के हेल्प करने के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। 53 साल का उम्र होते होते वे बीमार हो गए, उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक कष्टदायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और कुछ हल्के से हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उनके एक मित्र ने लिखा, वह न तो सो सकते थे न ही मुस्कुरा सकते थे और उस समय उनके लिए सारे धन संपत्ति, सुख समृद्धि कुछ भी मायने नहीं रखते थे। दुनिया के एक से बढ़कर एक डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, ट्रीटमेंट किए और सुधार होते ना देखकर उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि अब वे मुश्किल से और एक वर्ष जिंदा रह सकते हैं। उनका वह साल बहुत धीरे धीरे पीड़ा से गुजर रहा था जब वह अपनी मौत के करीब पहुंच रहे थे। एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। दोस्त, जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को कंट्रोल कर सकता था, उससे अचानक एहसास हुआ कि उसके अपने जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास बस एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा कर दिया कि वह अपने संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना किया। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की खोज हुई, मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया के इलाज का इजाद हुआ। बट रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होते गए। एक समय ऐसा भी लगा कि अब वह बस 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वे 98 साल तक स्वस्थ रूप में जीवित रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज के जरूरतमंद को वापस कर दी और ऐसा करने से वे ना सिर्फ ठीक हुए बल्कि एक अदृश्य परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने परिपूर्ण होने और बेहतर होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान देने का डिसीजन स्वामी विवेकानंद के साथ एक बैठक के बाद लिया और वे एक परोपकारी इंसान बन गए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें समझाया कि आपका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है, काम और आनंद से भरपूर। मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज एक अच्छाई से नवाजा। देने का सुख ही जीवन जीने का असली सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा जरूरी है मन की शांति। आप वो काम भले ना करें जिससे खुदा मिले, पर वो काम जरूर करें जिससे दुआ मिले। जिसका मन मस्त है
उसके पास समस्त है। दोस्त इस सच्चे स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि ओन पैसिव में आके हम फाउंडर्स किस परिपूर्णता को, किस बेहतर को हासिल करने जा रहे हैं। हो सकता है ओन पैसिव के फाउंडर से भी ज्यादा धन संपत्तियां सक्सेस हो किसी के पास, बट जो आनंद जीवन का फाउंडर्स ले पाएंगे शायद वह किसी अन्य को नसीब नहीं होगा। जो चित्त की स्थिरता, मन की शांति फाउंडर्स के पास होंगे वह बहुत ही मुश्किल है किसी और के पास होना। कल मंडे को ओ कनेक्ट के सफल लाइव होने के साथ साथ कुछ बड़े अपडेट्स भी मिलने की संभावनाएं हैं। दरअसल कुछ नए अपडेट्स फ्राइडे के वेबिनार में ही देने वाले थे सीईओ मिस्टर एस, बट ओ कनेक्ट में कुछ नॉर्मल ग्लिचेज आ जाने की वजह से इस अपडेट्स को देने के लिए मंडे के दिन का घोषणा किया गया। दोस्त मैं फिर दोहराता हूं, यह मंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह विदा होते होते हमें बहुत कुछ देकर जाएगा। पेशेंस रखें, वह सब कुछ होने जा रहा है जिसके हम इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि वे दूसरों के हेल्प करने से, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने से जो मन को सुकून मिलता है, एक अजीब सुख की अनुभूति होती है, उसे वे डीपली समझ सकें, महसूस कर सकें। ऑन पैसिव में आने से पहले हम दूसरों के हेल्प के बारे में इतना अधिक नहीं सोचते थे, मगर जब सब कुछ हमें यहां अनलिमिटेड मिलने जा रहा है तब भला कहां दिक्कत है दूसरों के हेल्प करने में। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।